आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां जाकर हरबीर सिंह सर्च करें। थैंक यू। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। जो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करी थी वो किसने करी थी? ऑप्शन है फ्रांसीसियों ने, सेकंड है डचों ने, थर्ड है पुर्तगालियों ने। फ्रांसीसी, डच या पुर्तगाली, इनमें से किसने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी? फ्रांसीसी, डच या पुर्तगाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा पुर्तगालियों ने। भारत के लिए जो समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है दोस्तों, वो वास्को डी गामा को जाता है। भारत के लिए जो समुद्री मार्ग का की जो खोज करी थी उसका जो श्रेय जाता है वास्को डी गामा को जाता है, और वो दोस्तों पुर्तगाली था। और वह कालीकट, जो कालीकट है उसके तट पर आया था 1498 में, और इसके बाद यहाँ के स्थानीय शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया था, जबकि वहाँ के जो स्थानीय व्यापारी थे उन्होंने उसका विरोध किया था। जो वहाँ का राजा था उसने उसका स्वागत किया था वास्को डी गामा का, लेकिन जो स्थानीय व्यापारी थे उन्होंने उसका विरोध किया था। इसके बाद है क्वेश्चन आ गए, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। क्वेश्चन आ गया भाई, और होता क्या है कि एक ही पॉइंट में बहुत सारे क्वेश्चन छिपे होते हैं। तो क्वेश्चन आ गया कि पुर्तगाली जो यात्री था वास्को डी गामा वो कालीकट पे आया था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन से तट पे आया था, तो कालीकट पे आया था सबसे पहले। तो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। यस यस, जमोरिन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों जमोरिन था, और मतलब जो वास्को डी गामा था 1498 ईस्वी में भारत आया था, और यहाँ के जो स्थानीय शासक थे जमोरिन ने उसका स्वागत किया था, हालांकि जो वहाँ के व्यापारी थे, स्थानीय व्यापारी थे, उन्होंने उसका विरोध किया था। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप, क्वेश्चन है केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा, सेकंड है जॉन काबोट, या थर्ड है, दो में से बता दिए, वास्को डी गामा या जॉन काबोट। हाँ जी, करेक्ट आंसर है वास्को डी गामा। तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री रास्ते की जो खोज की थी दोस्तों, वो वास्को डी गामा ने की थी, और वह सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट के तट पर उसी समुद्री मार्ग से, उसी मार्ग से आया था। इसके बाद है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? मतलब इनमें से कौन है जो भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे? ऑप्शन है पुर्तगाली, सेकंड है फ्रांसीसी, थर्ड है अंग्रेज। पुर्तगाली, फ्रांसीसी या अंग्रेज। हाँ जी, हाँ जी, पुर्तगाली बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आपको पता होगा जो वास्को डी गामा था वो पुर्तगाली था, और 1498 ईस्वी में कालीकट पे वो आया था सबसे पहले, और समुद्री मार्ग की उन्होंने खोज भी करी थी। केप ऑफ गुड होप के रास्ते वो आया था, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते वो आया था। तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था, और सबसे पहले जो यूरोपियन आए थे जो भारत में वो कौन थे? पुर्तगाली थे। और सबसे जो बाद में गए थे दोस्तों वो 1961 में गए थे।
आपको पता है अंग्रेज कब चले गए थे? 1947 में चले गए थे, लेकिन जो पुर्तगाली थे वो सबसे लास्ट में गए थे 1961 में, और कहाँ से? गोवा से। इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे? भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे? ऑप्शन है अल्मेडा, सेकंड है वास्को डी गामा, थर्ड है अल्बुकर्क। अल्मेडा, वास्को डी गामा या अल्बुकर्क, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे? हाँ जी, हाँ जी, अल्बुकर्क बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों भारत में पुर्तगाली शक्ति की जो वास्तविक जो संस्थापक था वो कौन था? अल्बुकर्क था, 1509 से 1505 में, ओ सॉरी 1509 से 1515 में। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी, और दोस्तों इसने 1510 में गोवा को जीता था, और 1511 ईस्वी में मलक्का पर नियंत्रण किया, और फारस की जो खाड़ी थी उसमें हरमुज पर अधिकार किया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ पॉइंट क्लियर हुए होंगे, और आज हमने यूरोपियन कंपनियों से जुड़े जो क्वेश्चन हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि जो ये मैंने पॉइंट बताए तो इनमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो छिपे हुए हैं। क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। अब इसमें कई क्वेश्चन हो गए कि पुर्तगाली यात्री कौन सा आया था भारत, कौन सी जगह आया था, वास्को डी गामा कौन सी जगह आया था, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कहाँ पे आया था, कालीकट आया था। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें निकलेंगे अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, ये पॉइंट आप रिवाइज करें। जैसे भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पुर्तगालियों ने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी। जो वास्को डी गामा आया था किस रास्ते से आया था, केप ऑफ गुड होप। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो गवर्नमेंट जॉब में पूछे जाने की संभावना है, और जो DSS भी है उसमें दोस्तों अब की बार, क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि जो GK थी बहुत स्टैंडर्ड की थी, मतलब बहुत हाई लेवल की थी, ये लग रहा है कि शायद उससे डिफिकल्ट दे सकते हैं, तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से बना के रखें, और जो भी पॉइंट है डीप करें अच्छे से उसे समझ के। क्योंकि ये मत देखो कि अभी आपके पास जुलाई में एग्जाम है, ये देखो कि आपके पास लगभग 50 डेज हैं, और 50 डेज में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं हूं हरबीर सिंह, और आप देख रहे थे आपका अपना स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह। तो दोस्तों गुड बाय, टेक केयर।